थन से दूध बहाने लग गईयां, यमुना नदी तो लागे दूध की नदियां। पीतल के मोल में सोना बिक रहा है, यानी कि साहिवाल नस्ल की प्योर शुद्ध गाय जो कि बेहद रीजनेबल प्राइस के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है, और हर गोपालक मित्र की चाह रहती है कि मुझे ऐसी ही गाय चाहिए। आज जो गाय मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिना सींगों में साहिवाल है, बड़ा हम्प है, भारी जालर, लंबी नाभि, चौड़ा माथा, और दूसरा ही ब्यांत, पुट्ठे की चौड़ाई और शेप कर्व जो देख पा रहे हैं आप, बेहतरीन है। साहिवाल नस्ल की गायों के अंदर इस तरीके की शाही शेप आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, और ऊपर से सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब ऐसा ठंडा सील स्वभाव देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में आपको एक लॉटरी दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसी कीमत के अंदर ऐसी गाय मिल जाए तो वह किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें, साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उनमें से अपनी पसंद की गाय का सिलेक्शन भी कर पाएं। जैसा आज लॉटरी में दिखा रहा हूं, बेहद ठंडे स्वभाव में है। इस गाय को जसविंदर जी, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, विलेज 16Z, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है, राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 6367866973। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके या विजिट कर इस गाय को अच्छे तरीके से देख परख सकते हैं। देखने से आपको अनुभव हो रहा होगा कि यह पहले ब्यांत की बछड़ी है, लेकिन यह दूसरे ब्यांत के अंदर है, और दूसरे ब्यांत के अंदर इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड 18 से 20 लीटर का रहा हुआ है। तो इस बछड़ी से भी एक अच्छी दूध क्षमता की अपेक्षा की जा रही है। ब्याने में लगभग एक महीना शेष बचा हुआ है, अभी लगभग 35 से 40 दिन और भी लेगी। अभी दूसरे ब्यांत के अंदर है, सेकेंड लैक्टेशन में है, और दो दांत है। कीमत 33,000 रुपये, 33,000 रुपीज़ फिक्स डिमांड की गई है। इस कीमत में कोई बार्गेनिंग नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और चार्जेस के बारे में आप जानकारी जरूर से ले लें। जब गाय खरीदें तो गाय की प्रेगनेंसी चेक करवा लें यदि वह गाभिन हो, और साथ ही ट्रांसपोर्ट के चार्जेस के बारे में भी उसी समय बात कर लेनी चाहिए। यदि गाय दूध देने वाली है तो उसकी दूध क्षमता खुद अपने हाथ से दूध निकाल कर आंकें। आशा करता हूँ जो गाय मैंने आपको दिखाई है वह पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने गोपालक मित्रों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे और हर वीडियो को देखेंगे तो उनमें से हो सकता है आपको कोई गाय पसंद आ जाए, और वह गाय सचमुच लॉटरी तब साबित हो जाती है जब उसकी प्राइस भी रीजनेबल डिमांड की गई हो। आज वैसी ही लॉटरी मैंने आपको दिखाई है, कैसी लगी कमेंट जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।